हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दवा का छिड़काव करते समय पालिका का एक कर्मचारी बेहोश हो गया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर सफाई कर्मियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पालिका प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने किसी तरह से मामला शांत करवाया और कहा कि परिजनों की तहरीर पर जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं सफाई कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। शहर कोतवाली इलाके के ऊंचा थोक मोहल्ले के निवासी 40 वर्षीय राजेश नगर पालिका हरदोई शहर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को वह पालिका प्रशासन की तरफ से लगाई गई ड्यूटी के अनुसार बिलग्राम चुंगी के लक्ष्मीपुरवा में दवा छिड़काव कर रहे थे। दवा का छिड़काव करते करते अचानक बेहोश हो गए और गिर गए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही तमाम सफाई कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजन भी अस्पताल आ गए, जिसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि आरोप था कि पालिका प्रशासन ने मास्क आदि की व्यवस्था उनके लिए नहीं की थी और टंकी भी टूटी हुई थी, जिससे रिसाव हो रहा था और जिसके चलते उनकी मौत हुई है। सभी ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पाकर सीओ सिटी विजय राणा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों व सफाई कर्मचारियों को किसी तरह से शांत करवाकर कार्यवाही शुरू कर दी। यहां परिजनों ने मृतक के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए पालिका प्रशासन की लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की बात कही है। सीओ विजय राणा ने बताया कि परिजनों की जो तहरीर मिलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। नगर पालिका सफाई कर्मचारी थे, नगर पालिका में कहा करते थे, ये दवाई डालने के लिए गए थे बिलग्राम चुंगी पे डालने, लक्ष्मीपुरा में जो दवाई डालने टंकी फूटी थी। इन्होंने कई बार कहा अधिकारियों से, नगर पालिका के अधिकारियों से कई बार कहा कि सर ये टंकी फूटी है, कई जगह से फूट रही, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो यही कहते रहे जहाँ उन्हें एब्सेंट कर देंगे भगा देंगे। जब वो डरन में दवाई डालने लगा, दवाई डालते समय इनको इनके दिमाग में या मुंह में दवाई चली गई, तो सारे जो अधिकारी 2-3 थे, वो अधिकारी नगर पालिका के जो अधिकारी थे वो सारे गए भाग। ये वहाँ अकेले तड़पते रहे। तब मोहल्ला लक्ष्मीपुरा के कुछ लोग देखा जहाँ दवाई पड़ी, तो उन लोगों ने इनको मोटरसाइकिल पे यहाँ अस्पताल के सरकारी अस्पताल में इन्हें छोड़ा गया। तब ये यहाँ इनकी डेथ हो गई। जी, अपने वार्ड में लक्ष्मीपुरा वार्ड में ये का नाम दवा का छिड़काव करने गए थे, वहाँ पर ही इनके इंसेक्शन हुआ और हॉस्पिटल इनको वहाँ से लाया गया। उसी दौरान इनको हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है और इनका नाम राजेश है, इनकी एक बीवी है, एक बच्चा है और ये नगर पालिका प्रशासन में, हरदोई नगर पालिका प्रशासन में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। हमारी ये मांग है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि COVID-19 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति एक्सपायर होगा उसको 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, तो हमारा ये अनुरोध है कम से कम इस कर्मचारी को उस दुर्घटना राशि से लाभान्वित किया जाए। लक्ष्मीपुरवा मोहल्ला पड़ता है कोतवाली शहर में, उसमें आज ये सुबह सफाई कर्मी अपना वहाँ छिड़काव कर रहे थे, जो भी इनको दवाई दी गई थी नगर पालिका से, उसी के दौरान इनकी बताया जा रहा है कि अचानक ही बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद इनको यहाँ अस्पताल में लाया गया, अस्पताल में इनकी दौरान इलाज डेथ हो गई है। इनके परिजन के अलावा जो यहाँ सफाई कर्मी हैं उनका कहना यह है कि जो मास्क और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उनको प्राप्त नहीं हुई, उस पर कुछ उनका रोष है। अभी बातचीत की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद जैसा सही जांच के बाद निकलेगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि नगर पालिका की लापरवाही से सफाई कर्मी की जान गई। परिजनों का आरोप है, जो परिजन चाहते हैं उनके संबंध में जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसी जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.